Hey guys, Assalamualaikum. Welcome to Reaction Box. So, मेरा नाम है सुहेब शेबाज. मेरा नाम है सुहेब शेबाज. So, guys, आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं. वो Instagram पे लिंक आया था कि हम लोग कान्हा कंबोज की शायरी पे रिएक्ट करें. Yeah. So, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं. यानी आज जो माहौल होने वाला वो शायराना माहौल होने वाला. क्या बात है. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तेरा मेरा प्यार. डरता था सिहा रातों से मैं और उस जान से इश्क का चढ़ब खुमार रहा था. वाह. एक रोज लिपट कर सोई थी वो गैर से. उस सर्द रात मुझे बहुत तेज बुखार रहा था. क्या बात. उस सर्द रात मुझे बहुत तेज बुखार रहा था और मालूम ना थी बेवफाई खुद के महबूब की. मैं शहर के हर घर में बाट अखवा रहा था. क्या बात. कुछ बताया जाए तो अच्छा. तो अच्छा सबसे फेमस वाला आई थिंक इनका ये वाला ही है. कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहे. यार ये वॉइस तो काफी अच्छा रहेगा. और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं. गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा रहेगा. क्या बात है. वाह 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 क्या बात. ये अदब ये मुशायरे में करते रहे. मेरे गमों में मेरी हिस्सेदार नहीं लगती ये लड़की. मेरी कहानी का किरदार नहीं लगती. फिक्र करूं तो हुकूमत बताती है. उसकी फिक्र करूं तो हुकूमत बताती है. यार ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती. और है जानना क्या बताती है अपने घर मुझे. मगर मेरे घर से उसके घर की दीवार नहीं लगती. क्या बात है. मैं हकीकत जानता हूँ फिर भी छुपाती है बातें. ऊपर झूठ बोलती है यार ईमानदार नहीं लगती. मुझे पकड़ लेती है. खटिया उससे हिजर की बात सुनकर. यार वो मुझसे जुदा होकर भी बीमार नहीं लगती. और मुझे झुकना पड़ता है उसकी गलती. मेंटली कूल नो टेंशन. झुकना पड़ता है मुझे उसकी गलती के आगे. गुनाह इतना चालाकी से करती है गुनहगार नहीं लगती. बेफजूल ही पढ़ रहे हो उसके हक में कलाम कान्हा. तुम्हारी इन दुआओं की वो जरा भी हकदार नहीं. अंधेरी रात में निकली थी जभी तो नोचा था दरिंदों ने. ये घटना दोपहर की थी. अब बताओ क्या करें. क्या बात. लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से. अंधेरी रात में निकली थी जभी तो नोचा था दरिंदों ने. ये घटना दोपहर की थी. अब बताओ क्या करें. बाप ने लगा ली फांसी वकील का बयान सुनकर. तुम्हारी लड़की ने पहल की थी. अब बताओ क्या करें. सहमति रख ली तेरी मुझे गैर बताने में. अपना मुझे भी आजकल कोई खैर नहीं लगता. तुझे पहचानने से नकार रही है आवाम. इनकी बातों से ये तेरा शहर नहीं लगता. और तुझे मार सुना है तेरे जिस्म को कोई जहर नहीं लगता. शहर नहीं लगता. मजा है. लफ्ज कोई बहरा नहीं देखा जाता. तेरी आंखों पर काजल की गिरफ्त तो ठीक थी. ये आंसुओं का पहरा नहीं देखा जाता. अपने हिस्से की खुशियां मैं लुटा दूं तुझ पर. तेरा उतरा हुआ चेहरा नहीं. क्या बात है यार. अंदाजे बयां बहुत अच्छा. पेश करना चाहूंगा हास्य व्यंग में एक गजल है. बिल्कुल बिल्कुल आपको आकाश भाई इरशाद इरशाद की एक टैगलाइन है. अब बताओ क्या करें. मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. कि दुपट्टा लिपटा था चेहरे पर फिर भी कयामत ढा गई. उसकी नजरें कहर सी थी. अब बताओ क्या करें. और हम दोनों के बीच में उसका बेस्ट फ्रेंड भी सोया था. वो लड़की बड़े शहर की थी. अब बताओ क्या करें.
वो लड़की बड़े शहर की थी, अब बताओ क्या करें। और तोड़ा था उसने मरघाट, मेरे घर में दो खड़ी है कहकर। मरघाट जो तोड़ा था मरघाट उसने, मेरे घर में दो खड़ी है कहकर, वो स्कूटी बहन की थी, अब बताओ क्या करें। क्या करें, क्या ये रदीफ भी बहुत अच्छा आ रहा है। क्या करें अल्फाज काफी यूनिक है। अब बताओ क्या करें। और मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, मुझे बताओ तुम सिंगल क्यों। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, मुझे बताओ तुम सिंगल क्यों हो, यही बात काजल प्रिया मेहर की थी, अब बताओ क्या करें। काजल प्रिया मेहर, आई थिंक आई डोंट नो काजल। और कहती कुछ खास समझ नहीं शायरी की तुम्हें, कहती कुछ खास समझ नहीं शायरी की तुम्हें, मेरी पूरी गजल बहर की थी, अब बताओ क्या करें। क्या बात है। और बड़े अदब से पिलाया उसने मर्ज़े दवा के रूह ने जिस्म छोड़ दिया। बड़े अजब से पिलाया उसने मर्ज़े दवा, मर्ज़े दवा ने जिस्म छोड़ दिया। हाय हाय, अब बताओ क्या। क्या बात है, क्या बात है, लास्ट लाइन बोल। बेवफाई की सारी हदें वो पार कर चुकी होगी, अपने बदन की आबरू को वो तार तार कर चुकी होगी, मेरे अलावा किसी और के साथ हम बिस्तर होकर वो ये कमाल कर रही होगी, और ये किसकी उंगलियां हैं तेरे जिस्म पर, उसके बिस्तर की चादर भी उससे सवाल कर रही होगी। क्या बात है, क्या बात है, होगी 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 जो रदीफ यूज हो रहा है। लफ्ज़ कोई बहरा नहीं देखा जाता, तेरी आंखों पर काजल की गिरफ्त तो ठीक थी, ये आंसुओं का पहरा नहीं देखा जाता। अपने हिस्से की खुशियां मैं लुटा दूं तुझ पर, तेरा उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। क्या बात है यार, क्या बात। पुकारना हो मुझे मेरा नाम भूल जाता है, जब पुकारना हो मुझे मेरा नाम भूल जाता है, उसे इश्क तो आता है पर करना भूल जाता है, करना भूल जाता है। दो यूं मुस्कुरा कर ना देखे मुझे, ये दिल पागल है धड़कना भूल जाता है। आए, आए, डीप लाइंस, क्या बात है, डीप लाइंस। खुद से ही खुद को बदनाम करते हैं। चलो उनका काम आसान करते हैं। आए, आए, वा, 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 यार क्या बात है यार, चलो इन्हें रोकने का इंतजाम करते हैं। ओए जाया ना कर मेरे किरदार को पहचानने में, खुद एक कहानी बन जाएगा मेरी हकीकत जानने में। और चल दिए बेपरवाह देखने गहराई मेरे दर्द की, इतना गहरा हूं कि जमाना निकल जाएगा मेरी गहराई नापने में। गहरी बात है। कितना ही झुकने पर तो मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा, और एक बार बदनाम करके तो देख मुझे महफिल में, कसम से शहर में मशहूर मैं तुझे भी कर दूंगा। मेरी फांसी मुकर्रर होने पर वो मुस्कुराई बहुत, न जाने कौन सा वहम उसके सर चढ़ गया है, तेरे जाने के बाद जीने की तमन्ना तो यूं भी ना थी, अरे वो शख्स तो मेरे हक में फैसला कर गया है। मेरे गमों में मेरी हिस्सेदार नहीं लगती, ये लड़की मेरी कहानी का किरदार नहीं लगती। किरदार नहीं लगती, क्या बात है। फिक्र करूं तो हुकूमत बताती है, उसकी फिक्र करूं तो हुकूमत बताती है, यार ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती, यार ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती। और है जानना क्या बताती है अपने घर मुझे, है जानना कि क्या बताती है अपने घर मुझे, मगर मेरे घर से उसके घर की दीवार नहीं लगती, मेरे घर से उसके घर की दीवार नहीं लगती। और मैं हकीकत जानता हूँ फिर भी छुपाती है बातें, मैं हकीकत जानता हूँ फिर भी छुपाती है बातें, मुंह पर झूठ बोलती है यार ईमानदार नहीं लगती, क्या बात है, झूठ बोलती है यार ईमानदार नहीं लगती। और मुझे पकड़ लेती है खटिया उससे हिजर की बात सुनकर, मुझे पकड़ लेती है खटिया उससे हिजर की बात सुनकर, यार वो मुझसे जुदा होकर भी बीमार नहीं लगती, वो मुझसे जुदा होकर भी बीमार नहीं लगती। और झुकना पड़ता है उसकी गलती के आगे मुझे, झुकना पड़ता है उसकी गलती के आगे मुझे, गुनाह इतना चालाकी से करती है गुनेगार नहीं लगती, गुनाह इतना चालाकी से करती है गुनेगार नहीं लगती। और खूब जोर से बजाई तालियां उसने मेरा मजाक उड़ने पर, खूब जोर से बजाई तालियां उसने मेरा मजाक उड़ने पर, खैर मैं शायर हूँ मुझे तालियां बेकार नहीं लगती, मुझे तालियां बेकार नहीं लगती। और बेफजूल ही पढ़ रहे हो उसके हक में कलाम कान्हा, बेफजूल ही पढ़ रहे हो उसके हक में कलाम कान्हा, तुम्हारी इन दुआओं की वो जरा भी हकदार नहीं। क्या बात है, बहुत
क्या अंदाजे बयान, बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छी वीडियो थी यार, क्या बात है। ये दिखाना कि शायरी वाली वीडियोस जो कि काफी ज्यादा मजे की थी यार, या बिल्कुल काफी ज्यादा मजे की थी, काफी ज्यादा इंटरटेनिंग दी है हमारे लिए, और जो काना का जो अंदाजे बयान था इट वाज वेरी यूनिक, काफी मजा आया, वो उनका ना एक बड़े अच्छा अंदाज था यार, इनके तलफ्फुज़ काफी ज्यादा डीप थे बिल्कुल, और जो अपने शेरों में वो जो रदीफ यूज करते हैं, काफिया रदीफ जो उनसे यूज होता है, वो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा था अंदर। रदीफ मतलब वो होता है जो शेर में ना आता है बार बार, बार बार जो लास्ट पे आता है ना, लगता है हर शेर में आता है, लगता है लगता है लगता है, इस तरह के जब वो लफ्ज जो बार बार आता है इसे रदीफ हम कह देते हैं, और काफिया जो होता है वो जैसे मिलते जुलते हैं, जैसे जहर कहर नहर अगर वर्ड यूज हो रहा है, मतलब ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ना वो शायराना माइंड है नहीं सो अगर इनकी बात की जाए पर्सनैलिटी की तो काफी ज्यादा मजे की पर्सनैलिटी है, मतलब इनके लाइंस की तरह हाँ बिल्कुल जिस तरह की लाइंस है उसी तरह की उनकी पर्सनैलिटी लग रही थी, काफी अंदाजे बयान काफी ज्यादा यूनिक था, मजा है यार इनकी वीडियोस को देख के यार बिल्कुल, मुझे तो अपने पुराने मशूका याद आ गया चल झूठा। सो गाइस उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा, हमारा रिएक्शन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ भी कीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन में हमने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, आप लोग जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई थिंक हम ये कहते हैं तब तक के लिए आदाब, तब तक के लिए आदाब। Anybody out there hear me, hear me?